बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां पर सड़कों में गड्ढों को लेकर व्यापार मंडल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पूर्व सड़क में गड्ढे में अनियंत्रित होकर शिक्षक की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। नैनीताल रोड में गड्ढों पर पौधे लगाकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि हल्द्वानी अब हादसों का शहर बन गया है, यहां मौत के बाद भी विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है। विभाग मंडल ने प्रशासन को शहर की सड़कों में गड्ढे भरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इससे पहले भी एक महिला की गड्ढे के कारण मौत हो गई थी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाजपा शासन में जो पूरा उत्तराखंड हल्द्वानी सहित गड्ढा पूरा गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र ये रोडों को नहीं बनाया गया तो व्यापारी सड़कों पे उतरकर आंदोलन करेगा। और देख रहे होंगे सड़कों की हालत इतनी बुरी है इस समय शहर के अंदर। परसों ही हमारे एक शिक्षक साथी जो हमारे परिचित थे, उनका सड़क के गड्ढे के कारण जो है मृत्यु हो गई, घर का इकलौता चिराग। और उसके साथ साथ पिछले अगर महीने की बात करें तो जानकी देवी की भी गड्ढे में गिर के मौत हो गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। आज हमारे अंदर ये भय प्राप्त हो गया है, भय व्याप्त। शहर के हर व्यक्ति के हर नागरिक की तीन समस्याएं मेन होती है, बिजली, सड़क और पानी। इसी क्रम में हमने दो दिन पहले विद्युत डिपार्टमेंट को घेरा था और अभी हम 10 मिनट पहले पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक चौधरी को घेर कर आ रहे हैं। हम सैकड़ों की संख्या में लोग थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अगर इन्होंने अफसरशाही बेलगाम है, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता। हल्द्वानी की सड़कें चाहे लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हो चाहे नगर निगम के अंतर्गत आती हो, लोगों की जाने जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन पूरी सरकार उनके अधिकारी सोए हुए हैं। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की नगर और जिला इकाई और युवा इकाई ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया, ये शुरुआत है।